हाय फ्रेंड आज हम लोग संख्या पद्धति के बारे में इस वीडियो में समझेंगे कि संख्या पद्धति है क्या ये कैसे आया कहां से आया और इसका क्या उपयोग है तो संख्या पद्धति संख्या पद्धति को इंग्लिश में नंबर सिस्टम बोला जाता है और इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि संख्याओं को लिखने और संख्याओं के नामकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को संख्या पद्धति कहते हैं संख्या पद्धति में हम जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं और संख्याओं को किस तरह कितने वर्गों में बांटा गया है वह जानकारी समझकर संख्याओं का उपयोग करना सीखते हैं यहाँ कहने का मतलब ये है कि संख्या जिस तरह से मानो अपने ज्ञान का वर्धन किया जिस तरह से ज्ञान हुआ वो तो पहले बहुत सारे संख्या था तो उसको धीरे धीरे उसको उपयोग करना सीखा उपयोग करने के बाद में वो हर एक संख्या को अलग अलग कैटेगरी में बांटना सीखा अलग अलग कैटेगरी में बांटने और उसको उस संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक पद्धति अपनाया गया है जिसको संख्या पद्धति बोला गया तो संख्या पद्धति में कोई दिक्कत ना हो इसलिए हम छोटे से छोटे चीज़ को लिए हैं तो इसके आगे हम फिर देखेंगे कि अंक किसको बोला जाता है तो अंक को इंग्लिश में डिजिट बोला जाता है तो अंक किसको बोला जाता है तो गणित भाषा में जीरो से लेकर जीरो से लेकर नाइन तक के संकेतों को अंक कहते हैं इनकी संख्या दस होती है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन यह कहने का मतलब है कि अंक उसी को हम बोलेंगे जो अलग अलग रहेगा जैसे एक एक अंक है दो दो अंक है तीन तीन अंक है अगर यदि यहाँ पे यहाँ पे एलेवन रहता या फिर ट्वेल्व रहता तो हम इसको अंक नहीं बोलेंगे फिर हम आगे देखेंगे संख्या संख्या को इंग्लिश में नंबर बोला जाता है तो इसको परिभाषित करेंगे कि एक से अधिक अंकों को एक से अधिक अंकों को मिलाने पर संख्या का निर्माण होता है इनकी संख्या अनंत होती है जैसे एक दो तीन एक दो तीन कहने का मतलब एक सौ ताइस ये एक सौ ताइस एक संख्या है ना कि नंबर एक दो तीन ये अलग अलग हम करेंगे एक तो एक एक नंबर एक संख्या लेकिन अगर यदि एक सौ बोलेंगे तो ये संख्या है लेकिन अगर यदि हम यहाँ पे एक बोलेंगे तो ये एक अंक है दो बोलेंगे तो दो एक अंक है तो इसीलिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि अंक क्या है और संख्या क्या फिर आगे हम बात करेंगे संख्या के प्रकार के बारे में संख्या के प्रकार के बारे में बात करेंगे संख्या के प्रकार टाइप्स ऑफ नंबर तो सबसे पहला संख्या सबसे पहला संख्या हमारे वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक संख्या को ढूंढा प्राकृतिक संख्या ही को ही क्यों ढूंढा इसके पीछे कारण है कि प्राकृतिक मतलब जो भगवान के द्वारा बनाया गया तो भगवान कोई भी चीज़ को बनाया है तो कोई भी चीज़ को आखिर बनाया है तो उसको हम नंबरिंग करते हैं गिनते हैं इसीलिए इसको नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या बोला गया अब यहाँ से समझ लीजिए कि प्राकृतिक संख्या में एक क्लू मिल गया आपको कि कोई भी संख्या भगवान बनाया है तो बनाया है तो ये कहाँ से शुरुआत होगा तो इसको हम परिभाषित करेंगे कि गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं अथवा ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक चलती है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है यहाँ पे प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरुआत हो रहा है एक से शुरुआत होकर अनंत दूरी तक जा रहा है उसको हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे तो यहाँ समझ गए कि एक से शुरू हो रहा है मतलब कोई भी चीज़ प्राकृति में शून्य नहीं होता है उसको एक से गिना जाता है ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक अगर यदि पेड़ बनाया पहाड़ बनाए तो शून्य तो नहीं बनाया कुछ भी चीज़ को एक बनाया है तो इसीलिए इसको प्राकृतिक संख्या नाम दिया गया ये लॉजिक है और प्राकृतिक संख्या को डिनोट कर किया जाता है एन से एन से डिनोट किया जाता है यहाँ पे है कि सबसे -सब छोटी प्राकृतिक संख्या को नहीं तो एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जैसे एन और एक दो तीन चार पाँच छः इत्यादि बहुत सारा अनंत तक जाएगा फिर इसी के आके जब प्राकृतिक संख्या का खोज हुआ तो प्राकृतिक संख्या के आगे जिस तरह से मनुष्य को बुद्धि हुआ विवेक हुआ उसके बाद वो पूर्ण संख्याएं का खोज किया पूर्ण संख्याएं का खोज किया तो पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हॉल नंबर बोला जाता है तो यहाँ पे यहाँ पे पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या से थोड़ा सा अलग है केवल क्योंकि इसको परिभाषित करेंगे कि आदि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होती है पूर्ण संख्याएं कहलाती है कहने का तात्पर्य है कि प्राकृतिक संख्या जो है सो तो है एक दो तीन चार से अनंत तक लेकिन वही उसी में से जब हम इसको जीरो को ऐड कर देते हैं ये जीरो को तो वो पूर्ण संख्या हो जाता है मानव सब खोज किया तो बोला कि एक से शुरुआत है लेकिन कोई भी चीज़ है तो कुछ ख़त्म हो जाता है हम लोग में तो खत्म हो जाता है जैसे अगर यदि किसी से दस रुपया लिए और फिर हम किसी को वापस कर दिए दस रुपया तो खत्म हो जाता है तो वैसा स्थिति में बोला कि तो बचा क्या तो बोला कि बचा क्या तो इसी चीज़ को खोजते खोजते जब गणितज्ञ सब दिमाग तो बोला नहीं जीरो रहना चाहिए तो क्या बचेगा जीरो बचेगा तो उसी को बोला गया अब ये पूर्ण हो गया तो इसको बोला गया पूर्ण संख्या अब पूर्ण संख्या को किससे डिनोट किया जाता है तो इसका पहला अक्षर अच्छा, इंग्लिश का हॉल नंबर तो पूर्ण संख्या को डब्लू से प्रकट करते हैं जी यहाँ पे प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक था यहाँ पे जीरो सबसे छोटी पूर्ण संख्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है सभी प्राकृतिक यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि सभी प्राकृतिक संख्या जो वो पूर्ण संख्या है लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है जैसे जीरो यदि क्वेश्चन में आएगा कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है तो हाँ सभी प्राकृतिक संख्या एक से अनंत तक तो है पूर्ण संख्या ही है वो भी लेकिन पूछा जाएगा कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या तो नहीं है क्योंकि जीरो जो है सो वो तो तो प्राकृतिक संख्या नहीं है ये पूर्ण संख्या तो जैसे जीरो एक दो तीन चार इत्यादि ये हो गया पूर्ण संख्या अब पूर्ण संख्या के आगे इसी संख्या पद्धति में खोज हुआ पूर्णांक संख्या का पूर्णांक संख्या है तो पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर्स नंबर इंटीजर्स नंबर इसको परिभाषित करेंगे कि पूर्ण संख्याओं में पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याएं शामिल करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है पूर्णांक संख्याएं कहलाती है या वे संख्याएं जो माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव ये माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव तक चलती है उन्हें पूर्णांक कहते हैं इसको डिनोट किया जाता है जेड से तो जेड माइनस फाइव माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू इत्यादि पूर्णांक संख्याओं को जेड से प्रकट करते हैं जीरो समस्त पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं से बड़ा होता है तथा समस्त घनात्मक धनात्म सॉरी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं से छोटा होता है अब यहाँ पे समझेंगे कि पूर्णांक संख्या क्या है तो पूर्णांक संख्या में यहाँ पे हम एक संख्या रेखा लेते हैं उससे हम समझेंगे कि ये धनात्मक और ऋणात्मक क्या है तो जब हम संख्या पद्धति की बात करते हैं तो संख्या पद्धति में एक रेखा लिया जाता है और रेखा में से एक जगह पे ये हो गया शून्य को मान लिया जाता है और इधर साइड होता है माइनस होता है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ये अनंत दूरी तक चलते रहता है इन्फिनेटिव तक इसी तरह इधर ई साइड होता है प्लस वन टू थ्री फोर इत्यादि ये भी इन्फिनेटिव तक जाएगा तो इसमें से ये हो गया मेरा नेगेटिव यानी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और ये हो गया पॉजिटिव मतलब धनात्मक पूर्णांक संख्या तो जो जीरो है यहाँ कहने का मतलब है कि जो जीरो बताया गया तो जीरो जो है वो सभी धनात्मक पूर्णांक संख्या से छोटा होगा लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक संख्या से बड़ा है अगर यदि किसी के पास में सौ रुपया मान लेते हैं तो वो ज़ीरो से बड़ा है लेकिन वही अगर यदि उसके पास में सौ रुपया कर्जा है तो वो तो ज़ीरो से छोटा है लेकिन अगर यदि किसी के पास सौ रुपया नहीं है तो वो तो माइनस से बड़ा ही है मतलब कर्जा नहीं है तो वो ज़ीरो में है तो ज़ीरो में है तो उसके पास कोई कर्जा नहीं कोई टेंशन नहीं लेकिन अगर यदि किसी के पास सौ रुपया कर्जा है तो वो तो ज़ीरो से भी छोटा है इसीलिए बोला गया है कि जीरो जो है वो समस्त पूर्णांक ऋणात्मक और पूर्णांक संख्याओं से बड़ा होता है तथा समस्त धनात्मक पूर्णांक संख्याओं से छोटा होता है अब आगे संख्या पद्धति में है सम संख्याएं तो सम संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है इवेन नंबर इसको परिभाषित करेंगे तो वे संख्याएं जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो सम संख्याएं कहलाती है संख्याओं को इंग्लिश के ई �e से प्रकट करते हैं इसका सम संख्या का इंग्लिश का पहला अक्षर ई से शुरू होता है इवेन नंबर इसीलिए इसको ई से प्रकट करते हैं और सम संख्या में सबसे छोटा सम संख्या तो दो सबसे छोटा सम संख्या। और जीरो एक सम संख्या। जीरो एक सम संख्या क्यों है क्योंकि ना वो प्लस में ना माइनस में इसीलिए वो जीरो एक संख्या हो गया जैसे ई इज इक्वल टू जीरो टू फोर सिक्स एट टेन इत्यादि तो यहाँ पे यह चीज़ ध्यान देने की बात है कि सम संख्या जो है वो केवल दो से अगर यदि कट जाता है तो वो सम संख्या कहलाएगा अगर यदि दो से वो डिवाइड नहीं होता है तो वो सम संख्या नहीं कहलाएगा अब आगे सम संख्या हो गया इसके आगे विषम संख्या तो विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर्स बोला जाता है अब इसको परिभाषित करेंगे तो वे संख्याएं जो दो से पूरी पूरी विभाजित नहीं हो विषम संख्या कहलाती है जस्ट इसके सम संख्या के जस्ट अपोजिट होता है विषम संख्या तो जो दो से विभाजित ना हो उसको हम विषम संख्या बोलेंगे जैसे ओ इज इक्वल टू वन थ्री फाइव सेवन नाइन इत्यादि बहुत सारा ये हो गया विषम संख्या अब विषम संख्या को ओ से डिनोट करते हैं क्योंकि भाई इसका पहला अक्षर अच्छा है इंग्लिश का ओ अब यहाँ पे ये चीज़ समझेंगे कि कोई भी जो संख्या होता है डिनोट किया जाता है वो इंग्लिश का वैज्ञानिक से ये पद्धति बनाया कि इंग्लिश का पहला अक्षर अच्छा और बड़ा बड़ा अक्षर से प्रदर्शित करेंगे तो इसीलिए हर एक संख्या को उसके पहला अक्षर के बड़ा अक्षर से डिनोट किया जाता है जैसे इभेन नंबर को ई से विषम संख्या ओडर नंबर को ओ से विषम संख्या के बारे में जानेंगे कि विषम संख्या को ओ से प्रकट करते हैं और एक सबसे छोटी विषम संख्या है विषम संख्याओं का इकाई अंक एक तीन पाँच या नौ होता है अब इसके आगे देखेंगे परिमेय संख्या की परिमेय संख्या क्या है तो परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है रेशनल नंबर तो वे संख्याएं जिन्हें पी बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है पी बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है तो उसे परिमेय संख्याएं कहलाती जहां जहा पी और क्यू पूर्णांक संख्याएं पी और क्यू क्या है पूर्णांक है या वो धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है तथा क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो के बराबर नहीं मतलब नीचे वाला वाला जो जो है ये ये जो नीचे वाला वो कभी जीरो नहीं होगा तो, आगे समझेंगे कि परिमेय संख्या को भिन्न या भिन्न संख्या भी कहा जाता है सभी प्राकृतिक संख्या एक दो तीन चार पांच अनंत को p बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q नॉट इज इक्वल टू जीरो अतः सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या है सभी पूर्ण संख्याएं जीरो एक दो तीन चार को p बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है जहा q नोट इज इक्वल टू जीरो अतः प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या है सभी पूर्णांक को पी तो the q, q के रूप में लिखा जा सकता है जहां क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या कहने का मतलब है कि जो प्राकृतिक संख्या वो भी परिमेय संख्या और जो पूर्ण संख्या वो भी परिमेय संख्या कहने का मतलब है जिसको हम पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं और क्यों ये जो है वो नीचे कभी जीरो नहीं होगा जैसे एक बटा दो तीन बटा चार लेकिन अगर यदि ऊपर में जीरो हो सकता जीरो बटा चार तो ये अब परिमेय संख्या है लेकिन अगर यदि यहाँ पे अगर यदि चार बटा जीरो आ जाए तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा क्योंकि कोई भी हाल में परिमेय संख्या में जीरो नीचे में नहीं होगा अब परिमेय संख्या में है एक तुल्य परिमेय संख्या तो तुल्य परिमेय संख्या किसको बोलेंगे इसको इंग्लिश से इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोला जाता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर इसको परिभाषित करेंगे कि परिमेय संख्याओं का p बाय क्यू के रूप में अद्वितीय निरूपण नहीं होता है जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इज इक्वल टू जीरो जैसे एक बटा दो दो बटा चार इज इक्वल टू थ्री बटा सिक्स इज इक्वल टू पच्चीस बटा पचास इत्यादि बहुत सारा तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि परिमेय संख्या को समझ गए कि पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और तुल्य परिमेय संख्या में क्या है कि पी बाई क्यू को एक अद्वितीय निरूपण नहीं होता अद्वितीय मतलब अकेला निरूपण नहीं हो सकता अकेला जैसे कहने का मतलब है कि वैसा जो कि केवल एक हो उस तरह से निरूपण नहीं हो सकता और यहाँ पे पी और क्यूँ क्या है पूर्णांक है जैसे अगर यदि एक बटा दो है तो दो बटा चार को भी काटेंगे तो एक बटा दो ही आएगा तीन बटा छः को काटेंगे तो एक बटा दो ही आएगा तो ऐसा स्थिति में क्या है कि ये अद्वितीय हुआ अद्वितीय नहीं हुआ अगर यदि वही होता यहाँ पे अलग होता कुछ तो वो अद्वितीय हो जाता लेकिन यहाँ पे इस जिसको काटेंगे तो वही बराबर में आएगा इसीलिए इसको तुल्य परि संख्या बोलेगा मतलब तुलनात्मक हो रहा है एक बटा दो दो बटा चार का तुलनात्मक है दो बटा चार तीन बटा छ का तुलनात्मक है चूंकि ये परिमेय संख्याएं आपस में बराबर है तथा पी बाय क्यू के रूप में है जहां पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो अतः इन्हें तुल्य परिमेय संख्या या भिन्न कहा जाता है तुल्य परिमेय संख्या समझ गए अपरिमय संख्या अब समझेंगे अपरिमय संख्या अपरिमय तो संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर इसको परिभाषित करेंगे तो एक संख्या एस छोटा एस को अपरिमय संख्या कहा जाता है यदि इसे पी q क्यू के रूप में ना लिखा जा सकता हो जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो या वैसी संख्याएं जिन्हें पूर्णांक के अनुपात के रूप में नहीं लिखा जा सकता को अपरिमय संख्या कहा जाता है जैसे रूट टू रूट थ्री रूट फिफ्टीन इत्यादि तो कहने का मतलब है कि परिमय संख्या के जस्ट उल्टा परिमय संख्या को हम पी q क्यू के रूप में लिख सकते हैं लेकिन यहाँ अपरिमय संख्या को हम पी q क्यू के रूप में नहीं लिख सकते और अगर जैसे कि रूट टू रूट टू को अगर ये तोड़ेंगे तो इसका वन पॉइंट वन फोर वन टू इस तरह से कुछ आएगा तो इसको हम कभी भी पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते है? नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि ये point में आ जाएगा। इसीलिए इसको अपरिमय संख्या बोला जाता है। आगे वास्तविक संख्या तो वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है रियल नंबर अब इन सब संख्याओं के बाद धीरे धीरे वैज्ञानिक सब को नॉट ज्ञान हुआ तब ये वास्तविक संख्या की खोज किया तो वास्तविक संख्या में क्या बोला गया कि सभी परिमेय संख्याओं तथा तो अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं परिमेय संख्या मतलब जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्या को जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते तो सभी को सम्मिलित रूप को हम वास्तविक संख्या कहते हैं मतलब जो वास्तव में जो संख्या आया है वास्तव में जो सही-सही संख्या आया उसको हम वास्तविक संख्या बोलेंगे तो परिमेय संख्या में पी बाई क्यू मतलब वो पूर्णांक पूर्णांक में पूर्णांक में बताएं कि वो नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव संख्या भी हो सकता है इसी तरह आप परिमेय संख्या में रूट वाला भी हो सकता है और बिना रूट वाला भी हो सकता है अब यहाँ आगे समझेंगे कि वास्तविक संख्या को अंग्रेजी के अक्षर आर से डिनोट किया जाता है आर से क्योंकि इसका पहला अक्षर बड़ा आर है इसीलिए बड़ा आर से निरूपित किया जाता है अतः एक वास्तविक संख्या या तो परिमेय है या फिर अपरिमेय हो सकता है वास्तविक वास्तविक संख्या होगी अब वास्तविक संख्या के आगे हम इसको वास्तविक संख्या रेखा समझेंगे तो इसको रियल नंबर लाइन तो वास्तविक संख्या रेखा क्या तो वास्तविक संख्या या तो परिमेय या अपरिमेय संख्या है ये तो समझ गए हम लोग अतः यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है साथ ही साथ रेखा का प्रत्येक बिंदु के अद्वितीय वास्तविक संख्या रेखा को निरूपित करता है अद्वितीय मतलब एक होगा केवल उसका दूसरा नहीं होगा तो यहाँ पे एक संख्या रेखा हम लोग लेते हैं एक संख्या रेखा यहाँ पे ले लिए इसमें से देखेंगे कि यहाँ पे एक अद्वितीय निरूपण बोला गया तो यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एक ग्यारह एक जगह पे कहीं पर हम जीरो ले लेते हैं तो संख्या रेखा पे यहाँ पे जीरो डिनोट कर दी और इधर पॉजिटिव होता है तो एक दो तीन चार इधर नेगेटिव होता है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस चार इसी तरह आगे अनंत तक जाएगा इसमें से यहाँ पे अद्वितीय मतलब अकेला अकेला एक बिंदु है यहाँ पे माइ माइनस वन यहाँ पे अकेला इसका एक एक ही है एक बिंदु है इसका पॉइंट है निरूपित किया गया जीरो तो कहने का मतलब वास्तविक संख्या रेखा में एक अद्वितीयता को निरूपित किया जाता है मतलब वो बिंदु वही है दूसरा नहीं हो सकता अब आगे देखेंगे अभाज्य संख्या इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर बोला जाता है अभाज्य संख्या तो अभाज्य संख्या को परिभाषित करेंगे कि वे संख्याएं जिनमें समय तथा एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड अभाज्य हो अभाज संख्या कहलाती जैसे दो तीन पाँच सात ग्यारह इत्यादि अब आगे यहाँ पे हम पहले समझ लेंगे कि अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहते हैं दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तीन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो यहाँ पे अभाज्य संख्या के बारे में हम समझेंगे कि अभाज्य संख्या में दो से कट केवल उसका दो ही गुणनखंड होता है मतलब खुद से वो कटेगा और एक से कटेगा तो उसका दो गुणनखंड हो गया तो दो जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और तीन जो वो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या जैसे यहां पे हम इसको भाग लगाएंगे तो तीन को भाग लगाएंगे तो ये तीन से भाग लगाएंगे तो ये तीन से खुद कटेगा तीन एक उवंजा तीन और फिर एक से कटेगा और इसको हम किसी से और काटना चाहेंगे तो ये नहीं कटेगा इसीलिए इसको अभाज्य संख्या बोला गया अब इसके आगे पढ़ेंगे हम भाज्य संख्या तो भाज संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है कंपोजिट नंबर तो वे संख्याएं जिनमें समय तथा एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या को भी भाग जाता है भाज्य संख्याएं कहलाती है जैसे चार छः नौ दस इत्यादि तो यहाँ जस्ट अभाज्य संख्या क्यों उल्टा है संख्या में केवल गुणनखंड दो ही होता है दो ही से कटता है एक से और खुद से लेकिन यहाँ भाज्य संख्या क्या है कि कम से कम इसका तीन गुणनखंड होगा मतलब एक एक से कटेगा ही कटेगा कोई भी संख्या एक से कट जाता है और खुद से भी कोई भी संख्या कट जाता है लेकिन ये दूसरा से भी कटेगा जैसे ये चार है यहाँ पे यहाँ पे समझेंगे चार तो चार है तो ये एक कटेगा चार वन जार फिर ये जो है सो चार से खुद कटेगा चार एक चार और यहाँ पे दूसरा संख्या से भी ये कट रहा है दो से कट रहा है तो दो दुना चार तो ये हो गया भाज संख्या मतलब ये कटने वाली संख्या अब यहाँ पे आगे देखेंगे कि वे संख्या है जिनके कम से कम तीन गुणनखंडों खंड संख्या कहलाती सबसे छोटी भाज संख्या चार है किस भी कभी क्वेश्चन कभी पूछता है कि सबसे छोटी भाज संख्या क्या तो सबसे छोटी भाज संख्या चार है क्योंकि इससे छोटा भाज संख्या नहीं इससे सब बड़ा सबसे छोटी विषम भाज संख्या नौ है सबसे छोटी विषम भाज संख्या नौ है और इसके बाद में विषम के रूप में नौ ही कटता है तीन नहीं कटता है पाँच नहीं कटता है सात नहीं कटता है नौ ही कटता है अब आगे हम देखेंगे रामानुजम संख्या रामानुजम संख्या क्या है तो वह छोटी संख्या जिसे दो अलग अलग प्रकार के घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है रामानुजम संख्या कहलाती है जैसे सत्रह से तो इसका घन करेंगे तो दस का घन और प्लस नाइन का घन दो दो अलग अलग प्रकार की छोटी संख्या हो गया है और इसका हम इसको घन कर दिए तो दस का घन हजार आ गया और नौ का घन सात सौ उनतीस दोनों जोने सत्रह सौ उनतीस तो इसको रामानुजम संख्या बोलते हैं तो वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं और अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे संख्या पद्धति के छोटे छोटे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में और जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है उसके बारे में तब तक के लिए धन्यवाद